हेलो दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे इक्विटी मार्केट का, कैश एंड फ्यूचर और कैसा परफॉर्मेंस रहा आज के लिए, वो आज हम देखेंगे किसके अंदर कौन सा सिग्नल आ रहा है और आप किस में काम कर सकते हैं उसका एनालिसिस आज हम करेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि ये मैं फ्री में वीडियो अपलोड करूंगा, जो आपका अगर कोई सिग्नल आ जाए तो आपका प्रॉफिट हो जाए। तो अभी ही देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट 30 दिन से बता रहे हैं कि सिग्नल है वो सेल में चल रहा है। आपको लास्ट वीडियो को 30 दिन पहले का देख लीजिए, हमने यहाँ से सेल दिया हुआ है और हमने बोला है कि कंटिन्यू पोजीशन रखिए, जब तक वो सिग्नल गल अपसाइड अपोसाइड नहीं देता है। तो यहाँ अभी बाय आया है और ये बाय भी स्ट्रॉन्ग आया है और साथ में ये भी देखिए कि सीट नंबर 2 के अंदर भी बोल रहा है कि आप कंटिन्यू पोजिशन है वो मतलब कि निकाल सकते हो। तो अब जो भी सेल के अंदर पोजीशन बनाए रखे हैं उसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का रिकवर होने का अब पूरे पूरा चांसेस है और अभी लास्ट कैंडल में ही बाय आ रहा है। तो पूरी संभावना है अगली 5 या 10 मिनट के अंदर कंफर्म हो जाए और मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब जो भी कोई भी किसी की भी पोजीशन अगर सेल में बनी है लास्ट 1 मंथ से, जो हमने सिग्नल दिया था 1 मंथ पहले, तो वो काफी मार्केट गिर चुका है, 3000 का प्रॉफिट दिलवाया है इस सिग्नल के अंदर। आइए देखते हैं दूसरा इंट्राडे के पोजीशन में क्या रखा है और कोई सिग्नल आए तो उसके अंदर आप काम भी कर सकते हैं, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी के अंदर आज सुबह से ही बाय सिग्नल दे दिया है और कंफर्म दे दिया है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और साथ में सीट नंबर 2 में भी वेरिफिकेशन दे दिया है। देखिए तो बाय सिग्नल यहाँ येलो लाइन को क्रॉस कर ऊपर चढ़ गया है और साथ में यहाँ सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। तो आप यहाँ से बाय सिग्नल यहाँ से भी कंफर्म ही है, तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बाय करने के लिए लायक है। दूसरा देखते हैं बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर यहाँ कोई कंफर्मेशन एरो नहीं दिया है, पर सीट नंबर 2 के अंदर जाकर हम देख लेते हैं तो वहां कंफर्म हो चुका है। आप सीट नंबर 2 के अंदर मुताबिक आप बाय सिग्नल पर काम कर सकते हैं, उसके पहले सेल कंफर्म था, काफी नीचे आया था। दूसरा कोई देखते हैं आरकॉम के अंदर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया है, अब कभी भी बाय सिग्नल आ सकता है, तो मतलब कि आप एग्जिट हो जाइए उसमें सेल अगर बना है तो। निफ्टी के अंदर देखते हैं तो निफ्टी के अंदर सेल सिग्नल चल रहा था, जो कि मार्केट अभी रिकवर होने लगा है और डेफिनेटली आपको इसके अंदर से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि सेल सिग्नल कंफर्म था, ये बाय तो गलत था, बाय के पहले कंटिन्यू सेल में ही चल रहा था। वैसे तो देखते हैं इसके अंदर भी उसने यहाँ से एग्जिट मारवा दिया है, एग्जिट करवा दिया है, इसलिए आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। UPL के अंदर देखते हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बाय सिग्नल आया, सेल सिग्नल आया है, सेल का कंफर्मेशन था और आज मार्केट ओपन होते ही मार्केट गिर गया और अभी रिकवर होने के चांसेस है। अगर आपने ट्रेड किया था इस सिग्नल पर तो आप यहां से एग्जिट हो जाइए, ये बाय कंफर्म था, काफी मार्केट ऊपर गया था। JSW स्टील के अंदर भी हमने क्या किया, सेल करवा दिए किया था और एग्जिट करवा दिया है, तो आप भी एग्जिट हो जाइए, ये बाय के अंदर से कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकाल लिया था, कंफर्म था, इसलिए यह कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। तो मेन आपको मैंने यही बताने के लिए कॉल किया, ये वीडियो अपलोड किया है कि आप अगर बैंक निफ्टी के अंदर सेल में पोजिशन है तो आप निकाल दीजिए। हमने लास्ट सिग्नल दिया था 30 अगस्त और मार्केट ओपन होते ही दिया था, काफी मार्केट गिर चुका है और अब रिकवर एग्जिट भी करवा दिया, साथ में सिग्नल भी आ रहा है। तो अगर किसी की भी पोजीशन सेल के अंदर है तो आप निकल जाइए और पूरी चांसेस है कि आज मार्केट ऊपर रिकवर हो, तो प्लीज निकल जाइए, बाय बन रहा है और 5-10 मिनट में बाय भी बन जाएगा, क्योंकि हावरली टाइम फ्रेम है। तो इसी तरह कोई सिग्नल जनरेट होता है तो आप हमें हम आपको बता देंगे। और प्लीज नए जो कस्टमर है, नए देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारा जो आने वाला वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो पर जो सिग्नल आता है उस पर काम कर सकते हैं। किसी को लाइव डेमो चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।